हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लिनक्स में रूटीज को कैसे इंक्रीज करते हैं एजोर में, वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो ये हमारा एक लिनक्स मशीन है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, रूटीज को इंक्रीज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं, ये हमारे प्राइवेट आईपी है जिससे हम लोग लॉग इन करते हैं। ये आईपी रहा, ठीक है। इसमें हम लोग रूटीज चेक कर लेते हैं पहले। ये हमारी रूट होगी। अब हम लोग चेक कर लेते हैं इसकी डिस्क। तो कमांड होती है lsbl के। तो ये है sda2 पे है, तो इसको हम लोग इंक्रीज करते हैं। और os की टोटल साइज जो है हमारी है 64 GB है। अब हम लोग एजोर पे चलते हैं। अब यहाँ पे भी डिस्क वेरीफाई कर लेते हैं, ये हमारी 64 GB है, इसको हम लोग इंक्रीज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग VM को बंद करते हैं। ये हमारा VM बंद हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, डिस्क को इंक्रीज करते हैं, OS डिस्क को। उसके बाद हम लोग चलते हैं साइज एंड परफॉर्मेंस पे चलते हैं। अब हमारी डिस्क साइज जो है 64 GB है, तो उसको हम लोग इंक्रीज कर देते हैं। अब 64 से हम लोग क्या करते थे, इसको 70 कर देते हैं। अब यहाँ पे रिसाइज पे क्लिक करते हैं। यह अभी अपडेट हो रही है, ये अपडेट हो गया है। तो हम लोग VM पे चलते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, VM को स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग VM को लॉगिन करते हैं, ये हमारी पब्लिक आईपी रही। SSH पे आते हैं, auth पे आते हैं, यहाँ पे प्राइवेट की हम लोग सेलेक्ट करते हैं। एक्सेप्ट करते हैं, यहाँ पे यूजर नेम डालते हैं। सुडो कर लेते हैं। अब हम लोग डिस्क वेरीफाई कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें 70 GB दिखा रहा है, लेकिन क्या हमारी रूट की साइज बढ़ गई है, चेक कर लेते हैं। अब देखिए ये रूट की साइज हमारी जितनी थी उतनी ही है। अब हम लोग क्या करते हैं, रूट की साइज को इंक्रीज करते हैं। तो हम लोग कमांड यूज करते हैं lsbl के। तो हम लोग रूट डिस्क को इंक्रीज कर देते हैं। तो हमारी जो रूट है, रूट हम किसके अंदर में है, रूट vg के अंदर में है। और lb का नाम हमारा क्या है, रूट lb है। तो हम लोग lb का एक्सटेंड कर देते हैं, lb एक्सटेंड। उसके बाद यहाँ पे -l। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी स्पेस बचा हुआ है उसको हम लोग पूरा यूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एल बी का पाथ, उसके बाद यहाँ पे एल बी का नाम,
ये देखिए ये 2 GB से हमारा यहाँ पे इंक्रीज हो गया है, ठीक है, जितना भी फ्री था। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको रिसाइज कर देते हैं। तो उसके लिए कमांड होती है XFS, GrowFS, उसके बाद यहाँ पे आपको, उसके बाद यहाँ पे रूट पार्टीशन का नाम, उसके बाद यहाँ पे स्लैश रूट, ठीक है, ये इंक्रीज हो गया हमारा। अब हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 GB से हमारा 43 GB हो गया, ठीक है दोस्तों। अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।